आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए नाज़रीन, हम एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह आपका दोस्त एक बार फिर आपको कुछ नई जानकारी और नई मालूमात देने के लिए हम लोग आए हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे आपको हर बार कुछ नया देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कई दिनों से हम ट्रेड फेयर सेंटर के मुतालिक से खबरें चला रहे थे कि मालेगांव शहर सटाना नाका में सिविल इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से एक ट्रेड फेयर सेंटर का इनकार किया गया, जिसमें 40 से 50 हजार तक लोगों ने शिरकत कर इस ट्रेड फेयर सेंटर से फायदा उठाया, जिसमें कहीं काउंटर और कहीं स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें मालेगांव शहर की आवाम ने बहुत ही लुत्फ के साथ इसका मजा लिया। वहां पर सारे इंतजाम मुकम्मल तौर पर बहुत अच्छा निजाम किया गया था। हमारे साथ में यहां पर अभी सिविल इंजीनियर ट्रेड फेयर सेंटर के बहुत ही मोतबर और फाहल शख्सियत शाहिद महमूद साहब हमारे साथ में मौजूद है। हम लोगों ने इनसे इनके मकान पर आकर मुलाकात करने की कोशिश की कि ट्रेड फेयर सेंटर जो उस इलाकों में लगाया गया था और ये सातवां ट्रेड फेयर सेंटर था जो हर बार कामयाब होता है, तो क्या इसी प्रकार के सेंटर मालेगांव शहर में भी होने चाहिए या इसके मुतालिक और भी सवालात है, तो उसके लिए हम बात करने के लिए आए हैं। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे मेहमान का। हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे अपने अब तक न्यूज पर। शुक्रिया। आज का हमारा जो पहला सवाल है कि जो ट्रेड फेयर क्या होता है और इसे कौन मुनक्किद करता है? बहुत बहुत पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल पर मुझे आने की मौका फराहम कराया। कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर दरअसल ये एक जो हम लोगों ने जाजो कंपाउंड में मुनक्किद किया था, ये तामीराती साजो सामान की तजारती नुमाइश थी। ये कोई कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर, जैसा आपने पूछा क्या होता है, एक ट्रेड फेयर जो होता है ये कोई मेला नहीं होता, बल्कि इसमें तमाम ताजिरान जो है कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से इन लोगों ने अपनी स्टॉल्स लगाई और अपने नई नई प्रोडक्ट का उन्होंने वहां पर डिस्प्ले किया। अब रही बात इसको कौन मुनक्किद करता है, तो इसको प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन मुनक्किद करती आई है, जिसकी बुनियाद इंजीनियर दादा भाव भूसे, जो कि अभी रियासत महाराष्ट्र के पोर्ट एंड माइंस के मिनिस्टर हैं, वो हम लोगों ने मिलकर के 1998 में इसकी बुनियाद रखी और उस बुनियाद के बाद से हर दो साल पर हम लोग ये ट्रेड फेयर मुनक्किद करते आए हैं। 2014 तक किया हमने, फिर 2014 में रुक गई क्योंकि अगला जो हमें करना था 2016 में, तो 2016 में डिमोनेटेशन नोटबंदी की वजह से हमें व्यापारियों के पास जाने में दिक्कत आई, और फिर उसके बाद 2018 में करना था तो फिर पैंडेमिक आ गया, और पैंडेमिक में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कोई जमावबंदी वगैरह की परमिशन नहीं। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यह है कि जो चीजें वहां कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर में रखी गई थी उसको मुतारिफ कराना होता है एंड यूजर से, जो इसके इस्तेमाल वाले इस्तेमाल करने वाले होते हैं। जैसे मतलब वहां टाइल्स की भी स्टॉल थी, तो टाइल्स के कैसे लगते हैं, इसकी साइज क्या होती है, इसके कलर रेंज कैसी है, फिर कुछ मशीनरीज थी, नई मशीनरीज आई है, टूल्स वाले वहां थे कि अभी आप अगर वहां पर आए होंगे तो टूल्स को देखा होगा कि ऐसे ऐसे टूल्स हैं, जैसे हैमर है, हैकिंग हैमर है, वो बिल्कुल आसानी से, बाज दफा हम लोग खिल्ला ठोकते हैं तो सुराख की बजाय वहां पर क्रैक पड़ जाता है, तो एक अलग किस्म के नई टेक्निक है, तो ये दिखाने के लिए ये हुआ था। अभी आपको प्लास्टर करना है या टाइल लगाना है तो कुछ ऐसे एडहेसिव्स आ गए जिसमें रेत की जरूरत नहीं पड़ती, और आज रेत का मिलना कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं, और बहुत महंगी भी हो गई है। तो इसमें कहीं स्टॉल लगाए गए थे? हाँ, इसमें तो जो स्टॉल्स लगाए गए थे उसकी क्या कोई कीमत वगैरह थी? जी, कीमत तो बिल्कुल लगेगी ना, तो इसमें कीमत जो अभी हमने लगाया था, हालांकि अब तो ट्रेड फेयर हो गया हजरत, उसकी कीमत बता करके कोई वो नहीं है, इंशाल्लाह अगले ट्रेड फेयर में आपको कीमत मिलेगी, लेकिन मालूमात के लिए बता दूं कि तीन टाइप की स्टॉल्स थी वहां पर, 20x20 थी और 9x15 थी और बाकी के ऊपर स्टॉल थे एरियाज के हिसाब से। हाँ जी, मालेगांव सेंट्रल में ट्रेड फेयर मुनक्किद मतलब जो है तो होगा क्या मालेगांव शहर के अंदर भी, क्योंकि बाहर
मालेगांव शहर नदी के उस पार, सेंट्रल की आवाम ये समझती है कि वो हमारा शहर है ही नहीं, नदी के उस पार हुआ, तो क्या मालेगांव शहर में भी ट्रेड फेयर सेंटर लगाया जाएगा? ये ऐसी बात नहीं है, ये मालेगांव के ही लिए था। सेंट्रल और आउटर जो है वो मालेगांव ही कहलाता है। दरअसल ये सेंट्रल में होना या नहीं होना मुझे नहीं समझ में आता है, और ये तो एक सियासी किस्म का सवाल है, और इसका अगर जवाब भी मैं दूं तो ये सियासी किस्म का हो जाएगा। बहरहाल दोनों मालेगांव के लिए था, और दोनों मालेगांव की जो आवाम इससे इस्तेफादा हासिल की है। अब रह गई बात कि यहाँ क्यों नहीं लगता है, तो यहाँ नहीं लगने की बात के लिए जो है मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ आपको कहूंगा। समझ लीजिए कि अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जो इसकी बहुत सही गम्माजी करेगा कि कुवत-ए-फिक्र-ओ-अमल पहले फना होती है, पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। क्या बात है, क्या बात है। आइए दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा तक है, इस ट्रेड फेयर की क्या खासियत है? इस ट्रेड फेयर की खासियत ये रही है कि ये हम लोग का खुद 2014 के बाद से, अभी ये 2023 में जो कि 9 साल के बाद था, तो बहुत सारी इस 9 साल के बीच में जो है, और पैंडेमिक ने हमको बहुत सारी चीजें समझा दी है कि हमें कैसे रहना है। बाकी पेंट्स वगैरह भी अभी ऐसे उस वक्त मुतारिफ कराए गए थे कि उस पेंट्स को आप करेंगे तो पैंडेमिक के जो जरासीम है उस पर बैठते ही मर जाएंगे, ऐसे ऐसे पेंट्स भी आए थे। तो बहुत सारी टेक्निक जो है जो हट गई, जैसे सोलार हीटर। अभी जो सोलार हीटर, मैं खुद आपको बताऊं कि मालेगांव में तकरीबन 25-30 साल पहले आया था, लेकिन अब ये सोलार हीटर जो आ रहा है, जो अभी हमारे इसमें रखा गया था, इसकी खासियत ही अलग थी। फौरन पानी गर्म होना, और पानी सूरज के टेम्परेचर का, जैसे जैसे सूरज अपने महवर पर गर्दिश करता है तो उस हिसाब से वो तपिश के हिसाब से पानी भी गर्म होता है। अच्छा, हमने मतलब देखा कि आपको किसी कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर सेंटर में 25 साल खिदमत में एतराफ करते हुए आपको ट्रॉफी से भी नवाजा गया, इसके बारे में आप क्या? जी, ये हमारी प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन की एक रिवायत रही है कि हमारे मेंबर्स जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, कॉन्ट्रेक्टिंग में या कंसल्टिंग में अगर 25 साल उन्होंने मुकम्मल कर दिए हैं तो हमारी एसोसिएशन उनका इस बात का एतराफ करती है। सुपर जुबली हो जाता है। जी 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 जी। और ये 25 साल का जो आप बोल रहे हैं, ये दरअसल हमारी एसोसिएशन की बुनियाद को 25 साल हुए। अच्छा। तो 25 साल गोल्डन जुबली तो एक खुशी का मौका ही था, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर दोनों आमदार के साथ हमने उसको अलामती तौर से केक भी काटा। इसको कोई दूसरे अंदाज में, पाव सदी का हिस्सा। हाँ, वो एक पाव सदी का किस्सा। मैंने वो एक बात भी कही थी, अगर आपने वो मेरी इफ्तिताही तकरीर का अगर वो किया होगा तो मैंने उसको इसी से शुरू किया था कि एक प्रोफेशन में 25 साल कोई कम नहीं होते, और एक एसोसिएशन को जिंदा रहने के लिए 25 साल बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, इसका क्रेडिट किसका, इसे मतलब किसको देंगे आप? क्या ये जो ट्रॉफी? हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, और इसका क्रेडिट बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाता है, और उसके बाद फिर मेरे वालिदैन हैं, और फिर मेरे प्राइमरी से लेकर के इंजीनियरिंग तक की जितनी भी मैंने तालीम हासिल की है वो इस्तेज़ा रहे हैं, और ऑफकोर्स इस सब के साथ में मेरी अपनी शरीक हयात, मैं का बहुत साथ रहा, बहुत बावफा और अच्छी तरीके से हमारे मेरे कामों को लेकर के चली है, और इससे बहुत कहीं ज्यादा मेरा अपना एक भाई छोटा जाहिद अख्तर मेरे साथ रहता है, जो मेरे तमाम कामों में, तमाम मेरे स्कीमों में वो मेरा साथ देता आया है। अच्छा, हम लोग तो खुद इसको कंटिन्यू कवरेज कर रहे थे, इस प्रोग्राम को, कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर सेंटर के। हमने ये देखा कि वहां पर जो सिविल इंजीनियर एसोसिएशन में जितने भी लोग थे, जी जी, उसमें एक ही चेहरा हमको मुस्लिम नजर आया। ये ऐसी बात नहीं है जनाब, मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। कोई प्रोफेशन में हिंदू या मुस्लिम नहीं होता है, सब प्रोफेशन में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके जर्नलिस्ट में अगर मैं बोलूं कि हिंदू जर्नलिस्ट या मुस्लिम जर्नलिस्ट, ये मायने नहीं रखता। हाँ, बिल्कुल, बहरहाल आपका सवाल बहुत सही है। यही सवाल मुझे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी, जब इफ्तिताही प्रोग्राम था तो हमें कुछ मौका लग गया था, प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ी सी दादा साहब नहीं आए थे,
तो मैंने मुझसे गुफ्तगू की तो उन्होंने भी मुझसे बिल्कुल यही सवाल किया। तो मैंने मुफ्ती साहब को जवाब दिया कि इसकी एक टेक्निकल रीजन है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई, तो उसमें बहुत सारे जो थे मुस्लिम इंजीनियर्स थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है एक उसका एक रूल्स है कि उसमें रेगुलर रहना चाहिए, फीस बाकायदा अदा करनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे और इसमें एक्टिव भी रहना चाहिए। ये प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर एसोसिएशन जनाब मैं कहूँ, मैं इसको अपनी माँ समझता हूँ, क्योंकि इस एसोसिएशन ने मुझे अपने शहर में शनाख्त दी है, मेरी पहचान बनी है। एक आखिरी सवाल था आपसे हमारा, शहरियान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियान के लिए मेरे लिए पैगाम यही है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हर लम्हे बदलते जा रही है, और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मैं तो ये कहूंगा, बल्कि हमारे दावतनामे भी लिखा कि रोटी तो हम रोज खा लेते हैं, कपड़े भी रोज पहन लेते हैं, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में मकान पूरी अपनी जमा पूंजी लगा करके खर्च करता, अगर उसमें मनसूबाबंदी में अगर वो थोड़ी सी भी कोताही कर जाए या गलती हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ में शाहिद महमूद साहब, जो सिविल इंजीनियर भी है, अरे 25 साल खिदमात का इनका एतराफ भी किया गया, और हमारे गांव शहर में इसकी काफी सराहना भी की जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और हमारे चैनल के जरिए से अब आप देखेंगे भी कि इस पूरे इलाके में और आज के इस माहौल में, आज के इस दौर में, जब बिरादरीवाद और जातिवाद को इतना बढ़ावा दिया जाता है, उसके बावजूद भी एक मुस्लिम चेहरा अपना एक मुकाम रखता है, एक वकार रखता है, एक पोजीशन रखता है, तो ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। हमें शेर के साथ आज की गुफ्तगू को खत्म कर देंगे कि मैं खास ये शेर शाहिद महमूद साहब के लिए मतलब कहना चाहूंगा कि ये शेर किसका है ये तो मुझे पता नहीं है, शायद ये जानते होंगे ये शेर किसका होगा, लेकिन मैं अर्ज कर देना चाहूंगा कि लफ्ज ही टूट जाते हैं जबा तक आते आते, लफ्ज ही टूट जाते हैं जबा तक आते आते, हम तो मर ही जाएंगे आपके मेयार को आते आते। तो ये थी हमारी मतलब आज की कंस्ट्रक्शन टेयर फेयर सेंटर के लिए आपकी मालूमात के लिए एक मुकम्मल गुफ्तगू और मुकम्मल जानकारी, जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने आप तक पहुंचाया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जितना हो सके इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे जो मालूमात इसमें दी गई है मालूमात हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर वक्त देने के लिए।